अगर आज की रेमेडी कर लेने के बावजूद आपका हेयर फॉल नहीं रुकता है, आपको हेयर ग्रोथ नहीं होता है, आपके बाल घने नहीं होते हैं, तो दिस इज द टाइम कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर जानना चाहिए कि वजह क्या है, क्योंकि ये इतनी पोटेंट रेमेडी है कि इससे ज़्यादा स्ट्रांग रेमेडी आप घर पर अपने बालों की ग्रोथ के लिए कर ही नहीं सकते हैं। आपके बालों में करंटली जिस भी रेट से बाल बढ़ रहे हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस रेमेडी को करने के बाद उससे कहीं ज़्यादा फास्टर हेयर ग्रोथ आपको होगी, आपका हेयर फॉल सबसाइड होगा और आपको बेहतरीन डेंसिटी मिलेगी। आइए जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है, किस मात्रा में करना है ताकि बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिले और आप किसी भी प्रकार से निराश ना हो। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स मिलना निश्चित है। अदरवाइज सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, देखिए लगाइए एंड हैव द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। आइए बात करते हैं। हेलो टू माय वंडरफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और काफी पॉजिटिव हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम प्रेरणा, चैनल का नाम प्रीति प्रेरणा। बेहतरीन DIY रेमेडीज हफ्ते में 3 दिन में यहाँ पर शेयर करने के लिए आती हूँ, जिनका इस्तेमाल करके मेरा परिवार काफी खुश है। तो अगर आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहें तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे आप क्लिक कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए और आप मेरे परिवार का खूबसूरत सा हिस्सा हो जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा हेयर सीरम, जिसका एप्लीकेशन आपको ओवरनाइट के लिए अपने बालों में करना है। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, कोई ऑयल नहीं है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा और परेशानी आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो कि आपके बालों को लंबा, स्ट्रॉन्गर और थिकर करने वाला है, वो है 2 बड़े चम्मच व्हाइट राइस। जी हाँ, सफेद चावल जो आप खाते हैं, वही वाले चावल जो आपके घर के आसपास ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाता है, एग्जैक्टली वही वाला चावल। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट चावल को अटेन करने के लिए आपको नहीं करना है, जो अवेलेबल है टूटा हुआ बासमती जो चावल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 2 चम्मच चावल को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद एक पैन में ले लीजिए। इसमें आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्लास पानी, जितना पानी आप चावल को कुक करने के लिए नॉर्मली लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी आप यहाँ पर लेंगे। मैंने 1 ग्लास पानी लिया है और इसको अच्छे से खोलने दिया है। जब आपके चावल बनकर अच्छे से रेडी हो जाएं, पक जाएं, उसके बाद भी आप इसको थोड़ा सा ओवर कुक करेंगे ताकि जो पानी का स्टार्च कॉन्टेंट है वो काफ़ी थिक हो जाए। जब आपको दिखे कि चावल बनकर रेडी हो चुके हैं और पानी थोड़ा सा कम रह गया है, इस पॉइंट पर आप जो एक्स्ट्रा पानी है उसको छान लेंगे और ठंडा होने के लिए रहने देंगे। जब ये ठंडा होने लगेगा तो ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, थोड़ा सीरम जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। यही कंसिस्टेंसी हमें अपने सीरम के लिए चाहिए। चावल के बारे में आई नीड नॉट टेल यू कि ये इतने सारे विटामिंस एंड मिनरल्स का भंडार है जो कि खाने पर आपके शरीर को सशक्त बनाता है और टॉपिकल एप्लीकेशन में आपके बालों को इतना मैनेजेबल कर देता है, इतना सॉफ्टर स्ट्रॉन्गर कर देता है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपके बाल इतनी खूबसूरती के साथ थिकर हो रहे हैं। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर चुकी हूँ जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि चावल का पानी या वुमेन के बालों को कितनी खूबसूरती के साथ लाइफ टाइम बढ़ाता रहता है और थिकर और ब्लैक रखता है। बस इसी राइस का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर रहे हैं। जैसे ही आपका मांड का पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा और इस पॉइंट पर आपको इंट्रोड्यूस करना है अपना दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि होने वाला है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल तो एक्सपेंसिव होता है, ये तो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, ये तो ऑर्डर करना पड़ेगा। ये DIY कैसे हुआ? देखिए, मैंने आप सभी से कहा कि ये आपका लास्ट रिसॉर्ट है, अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो ये सबसे पोटेंट रेमेडी है जो कि घर पर की जा सकती है। इसीलिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल में इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार से फिजूल नहीं होगा और ज़ाया नहीं जाएगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये इतना पोटेंट है। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, वो आपको मिनी ऑक्सीजल सजेस्ट करते हैं जो कि टॉपिकली आपको अपने स्कैल्प पर लगाना होता है, तब आपका हेयर फॉल थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट होता है। बहुत सारी स्टडीज़ की जा चुकी हैं कि मिनी ऑक्सीजल जो कि एक केमिकल है वो अपने बालों में लगाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पोटेंट होता है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। जी हाँ, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो कि काफ़ी प्रेग्नेंट बीमारी होती है जिसमें सारे बाल गिर जाते हैं, इस बीमारी में भी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स, इसका एसेंस इस्तेमाल किया जाता है ताकि दोबारा से हेयर ग्रोथ की जा सके। हम सभी जानते हैं कि ग्रेप सीड ऑयल और होहोबा ऑयल कितने ज़्यादा पोटेंट ऑयल हैं और कई सारी स्टडीज़ ये प्रूव कर चुकी हैं कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इन दोनों से कहीं ज़्यादा पोटेंट है। अब आप समझ सकते हैं कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की पोटेंसी क्या है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल में इतनी प्यारी खुशबू होती है दैट आई रियली कैन नॉट टेल यू। अगर आप चाहें कि किससे सिमिलर होती है, तो अगर आपने विक्स वेपरब लगाया है, थोड़ी थोड़ी उससे मैच करती है, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट हाँ कुछ याद आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि मेंथॉल जैसी स्मेल होती है, बहुत ही फ्रेश स्मेल होती है। और इसीलिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल
कई सारे एरोमेटिक चीज़ों के लिए किया जाता है। आप अगर स्पाज के लिए गए हैं तो स्पा करने के लिए जब जाते हैं तो वो जो भीनी सी खुशबू आती है स्ट्रॉन्ग सी, दैट इज़ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। और ये इसकी खुशबू इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रेस बस्टर होती है कि ये आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी भी प्रकार का मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस का इशू आराम से सॉल्व कर देता है। और इस पर विश्वास करना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि आयुर्वेदा भी इसको सपोर्ट करता है कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी चीज़ आपके बालों को इफेक्टिवली कंट्रोल करके नहीं रख सकता। तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इज़ जस्ट द थिंग जो आपके बालों को चाहिए अगर आप सारी रेमेडीज अपने लिए ट्राई कर चुके हैं। तो आपका जितना भी पानी का, मांड का पानी है, उसका एक तिहाई या आप उससे भी कम रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इसमें ले लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एसेंशियल ऑयल अपने आप में काफ़ी खूबसूरत पोटेंसी रखता है इसको प्रिजर्व करके रखने की। स्टिल आप इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए और एक ड्रॉपर के अंदर स्टोर कर लीजिए। ड्रॉपर के अंदर क्यों? ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो हासिल फ्री हो और आपको किसी प्रकार का कोई तामझाम ना करना पड़े। ड्रॉपर में स्टोर कर लेने के बाद आप अपने बालों को अच्छे से बांध लीजिए। जैसा कि मैंने आपको हेयर सीरम पहले भी बताया है, एग्जैक्टली वैसा ही एप्लीकेशन है। आप इसको ड्रॉपर से लेंगे और अपने बालों में कुछ जगह पर ट्राई कीजिए कि एवरी पॉइंट लाइक यूनिफॉर्मली आप अपने बालों में डाल लें। हर जड़ को पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रैंडमली एट सम पॉइंट इन योर हेयर आप इसको लगा के रहने दीजिए, सो जाइए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठेंगे आपको अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शैम्पू नहीं करना चाहते हैं, यू वॉन्ट इट टू बी इन योर हेयर, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको ऑफिस नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है और आप चाहते हैं कि कुछ देर और अपने बालों में रख लें, तो आप रख सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब आप हेड वॉश कर लेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग कि भाई बाल एकदम ही रुक गए या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ग्रेजुअली होगा, विद इन अ वीक आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, बट बेहतरीन रिजल्ट्स दिखेंगे। हेयर फॉल सबसाइड होगा, हेयर ग्रोथ में चेंज आने लगेगा और ये सब ग्रेजुअल होगा। ये कोई केमिकल नहीं है कि आपने लगाया और रिजल्ट मिल गया। थोड़ा सा समय दीजिए, धैर्य रखिए और ये अपना मैजिक आपके साथ शेयर डेफिनेटली करेगा। सो यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी अगर आप इस पर विश्वास करके, इसके बारे में पढ़ के, सुन के, समझ के और फिर अपने लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप इस सीरम को बाहर स्टोर नहीं कर सकते, बहुत गर्मी हो रही है, जिन चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, तो आप इसको रेफ्रिजरेट करके ही रखिए। अगर आपके पास रेफ्रिजरेशन का प्रोविज़न नहीं है तो आप इसको पानी में भी रख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में पानी में रख सकते हैं। दैट वेज ऑल्सो आप इसकी लाइफ एनहेंस कर लेंगे। एंड इसका एप्लीकेशन आपको हर उस दिन करना है जिस दिन आपको हेड वॉश करना है। अगर आप हफ्ते में 3 दिन करते हैं तो आप 3 दिन एप्लीकेशन कीजिए, 2 दिन करते हैं तो 2 दिन कीजिए। आप इसको अपने बालों में लगा नहीं रहने दे सकते क्योंकि ये मांड का पानी है जो कि फ्लेक्स छोड़ता है। फिर आपको लगेगा कि आपको डैंड्रफ हो गया, डैंड्रफ नहीं है लेकिन राइस, ये जो मांड का पानी होता है ये फ्लेक हो जाता, फ्लेकीनेस दिखाता है, मतलब फ्लेक्स बन जाते हैं इसके, तो आपको लगे कि आपको डैंड्रफ हो गया। डैंड्रफ नहीं है, वो फ्लेक्स ही हैं इसके, तो इसीलिए आप इसको रहने नहीं दे सकते। रात को लगाइए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हेड वॉश। क्योंकि यहाँ पर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल हुआ है इसीलिए मैं बच्चों के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप टीनेजर हैं और आप एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेजुअली चेक कीजिए कि आपको ये सूट कर रहा है या नहीं। अदरवाइज बेटर होगा कि सिंपल मांड का पानी एंड सिंपल ऑयलिंग आप अपने बालों के लिए कीजिए, वो भी आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देगी। तो आशा करती हूँ कि मेरे परिवार को मेरी ये प्रस्तुति भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में किसी को इस वीडियो की आवश्यकता है तो उनके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर हेयर, स्किन एंड हेल्थ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्रीति प्रेरणा के सभी चैनल से जुड़े रहिए। आई लव यू ऑल, टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जब रिजल्ट्स मिले तो वापस आके बताना भी। आई फॉरगॉट दैट।